दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है और जहां विश्वास 100% हो वहां संदेह या शंकाओं के लिए 0% भी जगह नहीं बचता। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में चाहे जिस क्षेत्र में भी सफल हुआ है उसके अंदर और कई शक्तियों के अलावा विश्वास की शक्ति बहुत अधिक होती है। जीतेगा वही जिसे विश्वास होगा कि मैं निश्चित जीतूंगा। जिसे हारने में विश्वास होगा, लगता है मैं जीत नहीं पाऊंगा, हार जाऊंगा, वह कभी जीत नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर जीतने का विश्वास ही नहीं है तो वह भला जीतेगा कैसे। दोस्त, विश्वास इस कायनात की वो ताकत है जो एक छोटे से बल्ले पकड़े हुए बच्चे को सचिन तेंदुलकर बना दिया, एक वेटर का काम करने वाले लड़के को अक्षय कुमार बना दिया, एक बस में कंडक्टरी करने वाले को रजनीकांत बना दिया। इनके अंदर अगर कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा बनने का विश्वास नहीं होता तो ये भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जी रहे होते। दोस्त, आज मैं आपसे कुछ एक्टिविटीज करने के लिए कहता हूं, यदि वाकई आप करेंगे तो तुरंत का तुरंत रिजल्ट नजर आएगा आपको। आप अपने घर में, ड्राइंग रूम में जहां आईना लगा हो जिसमें अपने आप को देखते हैं आप, उस आईने के सामने खड़े होकर इत्मीनान से देखिए अपने आप को। फिर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जस्ट एक मिनट बाद आंखें खोलने से पहले यह सोचकर खोलिए कि मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है जहां सब कुछ हमारे मर्जी का होगा, मैं जो चाहूंगा वो हासिल कर लूंगा। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, अपने आप को आईने में देखिए और सोचिए कि ठीक 2 साल बाद, 3 साल बाद एक सक्सेसफुल इंसान मैं होऊंगा। हमारे आगे पीछे गाड़ियां होगी, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, लोग होंगे, मेरे एक झलक पाने को लोग तरसेंगे, मुझसे हेल्प लेने के लिए लोग कतार में लगे रहेंगे, मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग मेरे पीछे आएंगे, बेताब रहेंगे। दोस्त, यकीन मानिए इस प्रैक्टिकल के बाद आपको हंसी भी आएगी। मैं और 2 साल के बाद, 3 साल के बाद इतना सक्सेस ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी का नाम है विश्वास, विश्वास, विश्वास। यही है विश्वास, विश्वास, विश्वास। आपको अपने आप पर विश्वास ही नहीं है कि मैं 2 साल बाद इतना बड़ा अचीवमेंट ले सकता हूं। आपके अंदर यह विश्वास ही नहीं है कि मैं बेस्ट प्लेयर बन सकता हूं, बेस्ट सिंगर बन सकता हूं, बेस्ट एक्टर बन सकता हूं, बेस्ट बिजनेसमैन बन सकता हूं, मैं वो बन सकता हूं जो मैं बनना चाहता हूं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंप्यूटर प्रोफेशनल, IAS, IPS, एक सक्सेसफुल इंसान, कुछ भी बन सकता हूं। दोस्त, अगर जिंदगी में किसी मुकाम को हासिल नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा रुकिए और अपने विश्वास को चेक करिए, अपने बिलीफ सिस्टम को, बिलीफ पावर को चेक करिए, कहीं उसके परसेंटेज कम तो नहीं है। अगर परसेंटेज कम नजर आए तो उसे डेवलप करने की जरूरत है दोस्त, उसे जागृत करने की जरूरत है। विश्वास की कमी के वजह से इंसान जहां है वहीं रह जाता है, वह आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? उसे मुकाम तक पहुंचने का विश्वास ही नहीं होता। वह जिंदगी में क्या नहीं कर सकता था, क्या नहीं बन सकता था, बट 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी वह वही है जहां से उसने शुरुआत करी थी। कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई कामयाबी नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, क्योंकि परिवर्तन होने के, बदलाव होने के, कामयाब होने के उसके अंदर विश्वास ही नहीं थे। तो भला यह सब होता कैसे? आपको यह विश्वास करना होगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। आप किसी चीज को चाहते हो ये मायने नहीं रखता। आप किसी चीज को कितने जोश से, कितने शिद्दत से, कितने विश्वास से चाहते हो ये मायने रखता है। अगर आप किसी चीज को पूरे शिद्दत से चाहो, दिल से चाहो, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जुट जाती है। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपने काम पर विश्वास होना चाहिए, अपने जीत पर विश्वास होना चाहिए। दोस्त, ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको तकलीफें नहीं आएगी, चोटें नहीं आएगी, दर्द नहीं होगा, लोग बुरा भला नहीं कहेंगे, लोग गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, लोग निगेटिव करने की कोशिश नहीं करेंगे, लोग आपके सपने को चुराने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ, मगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक सके। इसलिए दोस्त, अब चाहे जो हासिल करना चाहते हो, चाहे जो भी सपना, लक्ष्य हो आपका, इसके प्रति नॉट 99%, 100% विश्वास रखिए। यह होगा, यह हो के रहेगा। अपने विश्वास को इतना डेवलप कर लीजिए कि संदेह, शंकाओं एंड निगेटिविटी के लिए कोई जगह ही ना बचे। ध्यान रखें, संदेह, शंकाएं और निगेटिविटी हमेशा असफलताओं की ओर ले जाता है, जबकि विश्वास सफलताओं की ओर। निर्णय आपको करना है कि आप जाना किधर चाहते हैं। अगर असफलताओं की ओर जाना चाहते हैं तो फिर आपके विश्वास का लेवल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर सफलताओं की ओर जाना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त अपने अंदर के सारे संदेह, सारी शंकाओं, सारे निगेटिविटी को बाहर निकाल फेंकिए और भर दीजिए विश्वास से। सफल होने का विश्वास, कामयाब होने का विश्वास, जीतने का विश्वास, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है दोस्त। यकीन नहीं तो आजमा के देख लो, रिजल्ट सामने होगा। आपका जो भी सपना हो, जो भी लक्ष्य हो, आप विश्वास करिए और लग जाइए अपने लक्ष्य को पाने में। आप एक न एक दिन अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को हासिल जरूर कर लेंगे। एक साधारण इंसान भी असाधारण काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि मैं कर सकता हूं और वह कर लेता है। साधारण से असाधारण बन जाता है। कल तक वह गुमनाम जिंदगी जी रहा था, आज उसे दुनिया जान रही है। यह है उसका विश्वास। जिनके विश्वास 100% है वे गोल की तरफ भागते हैं, बट जिनके विश्वास कमजोर होते हैं वे हमेशा फीलिंग की तरफ भागते हैं। जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है वे गोल की तरफ जरूर भागते हैं, बट कोई प्रॉब्लम आते ही, कोई दर्द होते ही बैक हो जाते हैं, सोचते हैं चलो दूसरा कुछ देखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। वही जिसके विश्वास अपने गोल के प्रति 100% है, क्या उसे दर्द नहीं होता? क्या उसे प्रॉब्लम नहीं आते? क्या उसके सामने चुनौतियां नहीं होती? उनके साथ भी ये सब कुछ होता है दोस्त, बट उनका फोकस इन सब चीजों पर नहीं होता। वे तो बस फोकस रहते हैं अपने लक्ष्य पर, और उनका जीतने का विश्वास इन सारी बाधाओं से लड़ते हुए, इनको चीरते हुए गोल तक पहुंचाने में हेल्प करता है। चाहे सक्सेस मिले चाहे फेलियर हो, लगे रहो, छोड़ना नहीं। जब तक आपके बिलीव नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलने वाला। चाहे कुछ भी करते रहो, फोकस हमेशा डालिए अपने आप को बदलने में, अपने लाइफ के सिचुएशन को नहीं, दुनिया को नहीं, लोगों को नहीं, खुद को बदलिए और विश्वास करिए, फील करिए, मैं एक विजेता हूं। आप पक्का जीतोगे दोस्त। जितना स्ट्रांग आपका बिलीव होगा उतने ही स्ट्रांग आप होंगे, उतना ही स्ट्रांग आपका माइंड होगा एंड उतना ही स्ट्रांग आपका बॉडी भी होगा। जितने स्ट्रांग आप बनते चले जाओगे उतनी ही स्ट्रांग आपकी सक्सेस भी होगी, उतने ही स्ट्रांग आपके अचीवमेंट भी होंगे दोस्त। विश्वास अगर ऊपर वाले पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और विश्वास अगर खुद पर है तो ऊपर वाला वह देगा जो आप चाहते हैं। इसलिए दोस्त खुद पर विश्वास करिए। आप जो सोच सकते हैं वह पा भी सकते हैं, बस उसे पाने का विश्वास होना चाहिए आपके अंदर। सपने सभी के होते हैं, सभी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, बट सभी अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाते हैं। हासिल वही करते हैं जिन्हें विश्वास होता है कि मैं हासिल कर लूंगा, मैं हासिल करके रहूंगा, एंड जिन्हें अपने सपनों पर, अपने गोल पर विश्वास ही नहीं होता, उनके सपने, उनके गोल कभी भी हकीकत में परिवर्तित नहीं होते, वे सिर्फ ख्वाब बनकर ही रह जाते हैं। कुछ लोग एक साल में 10 कमिटमेंट करते हैं बट एक भी कमिटमेंट पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि उस कमिटमेंट में उसके विश्वास नहीं है। और किसी ने एक साल में अपने आप से सिर्फ एक कमिटमेंट किया और उसे पूरा कर दिखाया, क्योंकि उसे अपने किए कमिटमेंट पर विश्वास था, भरोसा था, उसने उसे हासिल कर लिया। इसलिए अपने आप से बिना विश्वास के 10 कमिटमेंट मत करिए, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके जगह सिर्फ एक ही कमिटमेंट करिए, मगर पूरे मन से, पूरे दिल से और पूरे विश्वास के साथ करिए दोस्त। आप यकीन मानिए, आज या कल आप वही बनोगे जो बनने का विश्वास होगा आप में। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सक्सेस वही हो रहे हैं, वही हुए हैं या वही होंगे जिनको अपने सफलता पर, अपने जीत पर पूर्ण विश्वास होगा। पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है, और जिससे पूर्ण विश्वास हो जाता है अपने जीत के प्रति, फिर वो अपनी जी जान लगा देता है जीतने के लिए और वह जीतता है दोस्त। दरअसल ये जीत उसके विश्वास की होती है, ये सफलता, ये कामयाबी उसके विश्वास की वजह से होती है। इसलिए आज अभी इसी वक्त अपने अंदर के निगेटिविटी को, शंकाओं और संदेह को, हारने और असफल होने के डर को बाहर निकाल फेंकिए और भर दीजिए उसे विश्वास से जो आपको सफलता की ओर ले जाए, आपको जीत की ओर ले जाए। किसी चीज को शुरू करने से पहले ही ये डिसीजन ले लें कि मुझे ये करना है या नहीं। अगर नहीं करना है तब तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर करना है तो अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए कि करूंगा तो पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ। इसके बाद ही उस काम को हाथ में लीजिए और आगे बढ़िए, और तब तक मत रुकिए जब तक आप उसमें सक्सेस नहीं हो जाते हैं, अपने गोल को हासिल नहीं कर लेते हैं। हम में से अधिकांश लोग किसी काम को शुरू तो कर देते हैं, उनके सपने भी बड़े होते हैं, उनके स्ट्रांग गोल भी होते हैं, बट वे उसे अचीव नहीं कर पाते, या तो बीच रास्ते से ही बैक हो जाते हैं या चुनौतियों, समस्याओं से डर के छोड़ देते हैं, मैदान से ही भाग जाते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जल्दी काम को शुरू नहीं करते, और अगर शुरू कर देते हैं तो फिर कभी नहीं रुकते, चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं आए,
चुनौतियां आए उनका बिलीफ सिस्टम उन सारी चुनौतियों से लड़ने का साहस देता है और वे हासिल कर लेते हैं अपने सपनों को, अपने गोल को। आपकी उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।